नमस्ते आदरणीय कामड़ साहेब हमारे मित्र क्षितिज जी और उपस्थित सभी भावु भाव को सादर प्रणाम करता हूँ वो जो 20 मिनट वाला जो गैप था बीच वाला छुट्टी वाला वो शायद अभी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे भाई ने भी 10 मिनट ले लिया सर जी ने भी 10 मिनट ले लिए इसलिए वो जो 20 वाला 20 मिनट वाला जो गैप था वो शायद नहीं रखना पड़ेगा खैर मेरा नाम प्रोफेसर सुधाकर मनवर हैं मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ मेरा पूरा एजुकेशन अकोला में ही हुआ है हमारे भाई अमरावती से थे बड़ा आनंद हुआ मुझे मैं आदरणीय श्याम मनोज जी से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1994 में पहली बार रूबरू हुआ था जब मैं विद्यार्थी दशा में था सीख रहा था आ, अकोला में 1994 में जिजाऊ हॉल करके हैं स्टेशन रोड पर वहाँ पर इसी कोर्स की कार्यशाला वहाँ पर सर ने ली थी और उसके पहले एक फ्री सेमिनार था जिसमें सर ने बताया था कि इसमें ऐसा ऐसा पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा और आपको काफ़ी इससे जीवन में आपके बदलाव आएंगे अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी और जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी ऐसी बातें और मैं उन बातों से बड़ा इम्प्रेस हुआ था मुझे उस वक्त लगा था कि शायद ये आदमी मेरा जीवन सफल बना सकता है या जो मैं ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ वो बनने के लिए मुझे कारगर साबित हो सकता है ऐसा मुझे उस समय लगा था और मुझे बराबर याद है कि उस समय सिर्फ छः सौ उस कोर्स की फीस थी लेकिन वो छः सौ जमा करना भी मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी लेकिन जैसे जैसे करके मैंने वो किया था और उस कोर्स में मैंने Uh, मैं इंट्रोड्यूस हो गया था आप यकीन मानिए मैंने जब वो कोर्स किया तो उसके पहले जो मैं था वो चार दिन बाद नहीं रहा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो गया था जो भी मेरी गलत धारणाएं थी जो भी मेरे विचार थे जो भी मेरी जिंदगी में जिंदगी के मामले में कुछ जो गलत फहमियाँ थी, वो सब निकलती चली गई धीरे 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 मेरे अंदर की जो खामियाँ थी वो मैं निकालता चला गया जिस तरह से सर सिखाते उस तरह से और अच्छी अच्छी बातें अपने अंदर भरता रहा तो मुझे यकीन होने लगा कि मैं एक सही ट्रैक पर चल रहा हूँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आप यकीन मानिए जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आज उसी कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ ये ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ मानव सर की वजह से हुआ ऐसा मैं मानता हूँ और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यशाला में आप उपस्थित हैं और यह सब सीख रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी जीते समय जितनी भी गलत बातें हमारे माइंड में प्रोग्राम होती हैं उन बातों की वजह से हम हमारा ट्रैक गलत तरीके से चुनते हैं और फिर उसी ट्रैक पर चलने की हम कोशिश करते हैं और फिर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं वो गलतियाँ ना हों उस ट्रैक पर जाने की नौबत ना पड़े इसलिए पहले से ही जो सही ट्रैक है जो मार्ग है जिससे हम हमारा जीवन सुखर बना सकते हैं या सफल बना सकते हैं वो ट्रैक अगर हमें मिल जाए और एक अच्छे आदमी के हाथों से मिल जाए तो ये हमारा भाग्य ही है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ये जो सीख रहे हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं बहुत अच्छे से सीखिए और अपना जीवन सफल बनाइए बहुत तो बहुत शुक्रिया